अस्सलाम वालेकुम वीर, कैसे हो? ठीक ठाक? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज एक और नए वीडियो के साथ आईआर का लेक्चर है क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन, मतलब सिविलाइजेशन की क्लेश कैसे हुई। तो ये सबसे पहले ये आर्टिकल लिखा था सैमुअल पी हंटिंगटन 1993 में। ही हैज़ रिटन आर्टिकल पब्लिश इन न्यूज़ पेपर एंड आफ्टर द डिबेट ऑफ लॉट ऑफ डिबेट इन दिस आर्टिकल ही पब्लिश द बुक इन 1996 एंड ही इज़ अ रियलिस्ट। ही सेज कंप्लेंट के नॉट बी एंड आल्सो ही राइट द आर्टिकल इन अपोजिट ऑफ फ्रांसो फुकुयामास एंड ऑफ हिस्ट्री। ही सेड फुकुयामा सेज दैट देर इज नो एनी कॉन्फ्लिक्ट नाउ मीन्स इट इज विल बी एंड ऑफ हिस्ट्री, बट पी हंटिंगटन से दैट नो कॉन्फ्लिक्ट विल बी अकर। इफ द कॉन्फ्लिक्ट विल नॉट अकर ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी बट दैट कॉन्फ्लिक्ट विल बी अकर ऑन द बेसिस ऑफ यू कैन से दैट सिविलाइजेशन। एंड पी हंटिंगटन ने कहा था कि जो जितने भी चलो फुकुयामा ने जो बात की है कि अभी एंड ऑफ हिस्ट्री हो गई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, वो तो आइडियोलॉजिकल थे लेकिन कॉन्फ्लिक्ट होंगे। कॉन्फ्लिक्ट पर कोई भी बेसिस कॉन्फ्लिक्ट पर कर सकता है, कोई भी वार हो सकती है, जंग हो सकती है। ये जंग अभी आइडियोलॉजिकली बेस नहीं होगी, ये जंग जो बेस होगी वो सिविलाइजेशन बेस पे होगी। सिविलाइजेशन उसका कहने का मतलब ये था कि सिविलाइजेशन के कैसे कैसे होगी सिविलाइजेशन पर, उसने कहा कि अभी जो लोग लड़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिविलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज जबान के बेस पर, जिस कौम की जबान एक होगी वो कौम दूसरी जबान वाले कौम के साथ मुखालफ करेगी लड़ेगी। और उसने कहा कि इसी बेसिस पर लड़ाइयाँ होंगी, जबान के बेसिस पर लड़ाइयाँ होंगी और कल्चर के, किसी का कल्चर और है वो अपने कल्चर को सुप्रियर समझेगा दूसरे कल्चर की नस्बत, इस बेसिस पर लड़ाइयाँ होंगी। एक तो वो कह रहा था सिविलाइजेशन का मतलब कंफ्लिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। उसने एक ये अहम पॉइंट उठाया कि जो ये जंगें अभी होंगी वो रिलीजन, मुसलमान जो होंगे गैर मुसलमान का इन्फेरियर समझेंगे, खुद को सुपेरियर समझ कर ये लड़ाइयाँ होंगी और गैर मुसलमान को ये जितने भी महजब हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ेंगे और ये कॉन्फ्लिक्ट होंगे। अभी जितने भी कॉन्फ्लिक्ट होंगे जितनी भी लड़ाइयाँ होंगी ऑन द बेसिस ऑफ सिविलाइजेशन बेसिस पर होगी और लिंग्विस्टिक बेसिस पर होंगी। उसने ये भी बताया कि दुनिया में जो मेजर सिविलाइजेशन है, मेजर जो रिलीजियंस है, वो एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। उनमें से कुछ उसने ये भी बताया था कि जिस तरह वेस्टर्न का सिविलाइजेशन है और जिस तरह इस्लाम का सिविलाइजेशन है, जिस तरह कन्फ्यूजम का सिविलाइजेशन है, जिस तरह जापानीज सिविलाइजेशन है, जिस तरह हिंदू का सिविलाइजेशन है, जिस तरह आर्थोडॉक्स का सिविलाइजेशन है, जिस तरह क्रिश्चियन का सिविलाइजेशन है, तो ये सारे सिविलाइजेशन लड़ना शुरू करेंगे और इनमें लड़ाइयाँ होंगी। इनके कुछ कोर स्टेट होंगे और वो कोर स्टेट इनको प्रमोट करेंगे। ये पी हंटिंगटन ने मज़ीद ये बात बताई कि ये लड़ाइयाँ, ये सिविलाइजेशन लड़ते जाएंगे, इन सिविलाइजेशन कुछ सिविलाइजेशन को डिफीट होगी, वो दुनिया से ख़त्म होते जाते जाएंगे और एट द एंड सब उससे एंड में जाकर वेस्टर्न सिविलाइजेशन बचेगा और दूसरी साइड से मुस्लिम सिविलाइजेशन बचेगा। तो इनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होगा और जो फतह होगी वो इस्लाम के सिविलाइजेशन की होगी। तो इस बेस पर, ये जो सिविलाइजेशन बेस पर जंगें होंगी, तो पी हंटिंगटन ने ये बात कही थी कि इस्लाम, तो मैं इसमें एक दो पॉइंट अपनी तरफ से ऐड ये कर रहा हूँ कि ये जब 1996 में इसने अपनी थ्योरी बुक पब्लिश करवाया था तो उसके बाद उन्होंने थिंक किया जितने भी और सिविलाइजेशन थे तो वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ क्या कर रहे थे, सोच रहे थे कि इसको किस तरह ख़त्म किया। तो अभी ये जितने भी प्रोपेगेंडा वार हो रहे हैं तो वो भी इसी बेसिस पर। तो ये थे क्लेश ऑफ
क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, जिसका मतलब ये था कि जो अभी जो जंगें होंगी वो ज़बानों के बेसिस पर होगी, आपके कल्चर के बेसिस पर होगी, आपके रिलीजियस के बेसिस पर होगी। तो पी एडिंगटन ने यही बात की थी। तो इंशाल्लाह हम लोग फिर एक और वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।